आज है 9 अगस्त और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी भी हम बस में हैं और रात में जैसे कि गाड़ी पंचर हो गई थी तो काफ़ी समय वहाँ लग गया और बस मेरे ख्याल से हम लोग 9-10 बजे तक दीव पहुँच जाएंगे। तो ये एक अच्छा मज़ेदार सफ़र रहा क्योंकि दीव जाने के लिए अगर हम ट्रेन से आते हैं तो हमें शायद वेरावल या जूनागढ़ कहीं उतरना पड़ता है, तो ट्रेन से वो लंबा सफ़र हो जाता है। ट्रेन से आओ फिर उसके बाद वहाँ से बाई रोड आओ, वो सारी चीज़ें थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। बट मोस्टली हम जैसे बड़ौदा से हमने कल बस पकड़ा, अभी इस बस सीधे दीव उतारेंगे, दीव से सीधे बस बड़ौदा हम आ सकते हैं। तो अगर किसी को बड़ौदा से दीव आना है तो बहुत सारे बसेस हैं कि सूरत से, अहमदाबाद से और नवसारी से, बहुत सारी जगह से बसेस चलती हैं, बॉम्बे से भी आती हैं बसेस। तो आप कोई भी बस लेके दीव आ सकते हैं। रात में नींद पूरी तरह से हुई नहीं है क्योंकि बीच बीच में उठते रहे, आर्या भी परेशान करती रही। आर्या अलग ही पूनम के साथ उधर सो रही है, अनय, पूनम और आर्या, और यहाँ सिंगल इसमें मैं सो रहा हूँ। तो फिर हम मिलते हैं दीव में। अनय कैसे रही है नींद? अनय पापा मैं तो आपसे भी पहले उठाऊँ। कब? कितने बजे? कितने बजे? आधे घंटे पहले तो उठ के फिर सोया था। रात में गाड़ी पंचर हो गई थी, पता, बस पंचर हो गई थी, फिर उन्हें ठीक करवाया, फिर चली। तो कैसा मजा आ रहा है? आया कि नहीं मजा? किसी ने पेन डाली थी? नहीं, रास्ते में चलते चलते ना टायर गर्म हो जाता है। तो भी कुछ नहीं होगा, है ना? खूबसूरत नजारा, बादल, बादल आसमानों को छूते हुए, हाँ, आसमानों को नहीं, यहाँ पहाड़ों के ऊपर बादल दिख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। छोटा है, बड़ा बड़ा है। गुड मॉर्निंग, पहली बार निकले हैं, गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ हैं, ये है होटल और सामने है बीच और वहाँ है मैं। क्या अभी अभी तो पहुँचे पहले रूम में, तो बस हम रूम में पहुँचने वाले हैं। 905 रूम नंबर है हमारा। इसमें मैं पहले भी रुक चुका हूँ जब यहाँ पे एग्जीबिशन था मेरा साहब के प्रिंट्स का, तो यही वो रूम है जहाँ मैं रुका हुआ था। और ये फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है, ये सी फेसिंग है। और दूसरी बात ये कि प्रेमजीत जी ने यहाँ पे ये बुक कर दिया था 2 दिन पहले, तो इस वजह से कोई परेशानी हुई नहीं, आकर हमें सीधा सी फेसिंग रूम मिल गया। और जगह बहुत खूबसूरत है, स्मॉल फैमिली के लिए ये पर्याप्त जगह है। और यहाँ से सारी चीज़ें पास में है, पास में यहाँ से किला है, लेकिन बारिश की वजह से
जो है वहाँ अभी पता नहीं क्या स्थिति है, तो अभी सब आ जाएं फिर प्लान करते हैं कि क्या करना है। पूनम गई है आर्य के लिए दूध रेस्टोरेंट में बोलने के लिए। कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा। फुल फोर्थ फ्लोर पे? अरे फोर्थ फ्लोर पे ऐसा मजेदार नहीं दिखता है ये। दिखता है ना, मजेदार नहीं है ऐसे। इसमें पहले मैं आके रुका था वो जगह। आइए मैडम। तो हेलो गाइस तो बोल दीजिए। ऑर्डर दूध है वो, खोल चेंज कर ले। ब्रेकफास्ट आ रहा है यहाँ आ रहा है। तो आकर्षित हो गए और यहाँ आर्या को खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। वो ऐसा ऐसा कर रही है। तो ये होता है कभी कभी घर में, अगर हम बोर हो जाएं या ऐसा लगे कि छुट्टी के लिए बाहर निकलना चाहिए तो जरूर निकलना चाहिए। एटलीस्ट एक दो दिन के लिए तो आसपास में जाया जा सकता है। पहले हमने प्लान किया था कि बड़ौदा में कोई रिसोर्ट में जाके घूम आते हैं, पर बाद में सोचा नहीं चलो चलते हैं दीव घूमने। और पीछे है सी व्यू, बहुत सारे बोट्स हैं। और अभी अपन जा रहे हैं। और आरू भी रेडी हो गई, अनाय नीचे चला गया है। हाँ भैया गया नीचे, मम्मी हो गई तैयार, चलते हैं। आज मजा आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप एक्टिवा हायर कर सकते हैं जिसका चार्ज है 400 या 500 रुपए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। वो देखो बहुत अच्छा है। आपको दो दिन के लिए अगर दीव देखना है तो दो दिन बहुत है मेरे ख्याल से। और यहाँ ये नागवा बीच है, बट अभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पानी में करंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से नीचे उतरने का परमिशन नहीं है। और बारिश के समय हम जब आए थे तो कम से कम यहाँ से 150 फीट अंदर तक जाया जा सकता था वॉक करने, यहाँ तक पानी होता ही नहीं था। अभी बारिश का मौसम है तो इसलिए कोई भी घटना घट सकती है। इसके लिए यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी रहती है कि यहाँ 15 अगस्त के बाद से ये पानी का जो करंट है वो नीचे हो जाएगा और यहाँ पे नीचे सेफ रहेगा, तब कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत ही खूबसूरत है। और ये पीछे जो ट्रीज आप देख रहे हैं वहाँ पे टेंट्स कॉटेजेस बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं थी जब मैं पहली बार आया था। और यहाँ आने और आर्या को रेती मिल गई खेलने के लिए। ये वही प्लेस है, हम लोग नीचे नहीं उतरे हैं जहाँ पे ये सब लगे हैं। आने बोले हम यहीं खेल लेते हैं। तो खुशियाँ ऐसी होती हैं, आपको जहाँ बटोरना है आप बटोर लो, समेट लो। तो अब हम लौट रहे हैं वहाँ से, और लेफ्ट साइड में है बर्ड सेंचुरी, बट वहाँ भी अभी कुछ है नहीं। तो यहाँ सब घूम के आके ढेर हो गए ढेर। क्या बारिश है, कम बारिश देखने आए हैं। हम बारिश देखने आए हैं। जबरदस्त हो रही है बारिश बाहर, और सर हमारे साथ हैं। सर को इतनी तेज बारिश में भीग गए, ये अच्छा है। और सर में आते हैं इसको नहीं जाने जैसा है ही नहीं।
तो हमने सोचा था शाम को फोर्ट हो आएंगे, बट बारिश इतनी है कि बाहर निकलने जैसा कुछ है नहीं। और फिर सर का हमने एक साक्षात्कार किया और सर अभी घर जाने को तैयार हैं, तो कल का देखते हैं मौसम का हाल। तो सर से पहली मेरी मुलाकात हुई थी मार्च 2021 में, और जब मुझे कोविड हुआ था मैं सेम यही रूम में था। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कोविड है क्या है, पर सर लोग आते थे देखभाल करने, मिलने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने। ये मम्मी करम फूक के खाओ, टेस्टी है, टेस्टी है। यह है मंचूरियन नूडल्स, पर उसमें प्याज डाला हुआ है, तो अनाय छाट छाट के खा रहे हैं। कितना सारा प्याज, अनाय प्याज बिल्कुल नहीं खाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ सौरभ जोशी मिल के नहीं गया अनाय से, तो अनाय बहुत गुस्सा कर रहा है। ए तुम बैकग्राउंड से इधर जाओ या इधर जाओ। आई ता खाना खत्म कर लो, ये सबका खाना पीना। यहाँ बैठे हैं, लेटे हैं। अरे को नींद आ रही क्या? पार्टी शुरू हुई है। टिक 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 टिक। अरे मुझे तो सब कुछ। ओए चुप गया चुप गया भैया चुप गया। भैया चुप गया, भैया चुप गया। कहाँ है भैया? भैया कहाँ है? इधर देख, बाहर निकल, निकल बाहर। ओए 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 ओए, आ जा। आ, इधर आ। तो हमने खाना रूम पे ही ऑर्डर कर लिया क्योंकि बाहर बारिश बहुत थी, और नीचे रेस्टोरेंट है बट हम वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ वेज नॉन वेज मिक्स है। सामने जो रेस्टोरेंट है हमने वहाँ से ऑर्डर किया, और सेम होटल का है, दोनों का किचन अलग अलग है, तो वहाँ से प्योर वेज जो है खाना वो आ गया। तो इस तरह आज का दिन यहाँ ख़त्म हुआ। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को आप प्यार देते रहिए। नमस्कार।